हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू एनदर वीडियो इकोनॉमिक आज के टेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर रूरल डेवलपमेंट से जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट में क्या कवर होता है तो देखें सी हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑल ऑफ दीज तो एजुकेशन भी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए yes, right so, क्या एड्रेस करती है पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन बोथ एन बी और नीदर ए नॉर बी तो राइट आंसर इज देखिये पब्लिक हेल्थ भी है और सैनिटेशन भी है तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन दैट इज बोथ ए एंड बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू तो देखें जो हमारे पास जो वर्कफोर्स है जो लोग जो कैजुअली एम्प्लॉयड हैं जब उनका नंबर जब कैजुअल वर्कफोर्स का नंबर इंक्रीज होता जाए इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाए तो इसे हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स तो देखिए रेगुलर दो तरीके के वर्कर्स होते मिलते हैं एक है, है, जबकि जो कैशुअल वर्क फोर्स होती है जो कैशुअल लेबरर्स होते हैं ये स्किल्ड नहीं होते मोस्टली ये अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं इनको रेगुलर बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं नहीं मिलती ठीक है अब जब कैशुलाइजेशन यानी कि जब कैशुअल लेबर्स का नंबर बढ़ जाए तो हम उसे बोलते हैं कैशुलाइजेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स। ये किस कारण से है द कैशुलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के कारण है बोथ ए एन बी नीदर ए नॉर बी तो देखें ये कैशुलाइजेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिक्वेट है ठीक है लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्चुनिटीज नहीं है कि लोग दूसरी जगह जाके काम कर सके इसीलिए वो कैशुअल बन जाते हैं, वो कैशुअलाइज हो जाते हैं तो इसी हिसाब से आंसर क्रोशियल आस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडिया इज तो रूरल इंडिया का इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है तो देखे क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल ऑफ तो देखिये क्रुशियल क्या है हमारे रूरल इंडिया के पहला हमारे रूरल इंडिया का मार्केटिंग सिस्टम यानी कि एग्रीकल्चर का मार्केटिंग सिस्टम सेकेंडली क्रेडिट सोर्सेज ठीक है उनका क्रेडिट रिक्वायरमेंट उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट ठीक है यानी कि अल्टीमेटली क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्लियर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एग्रीकल्चर के, के साथ साथ कुछ और एलाइड एक्टिविटीज का डाइवर्सिफिकेशन क्लियर mm -hmm. रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग का इम्पोर्टेंट अफेक्टिंग विदाउटिंग हेल्थ ऑफ सॉइल इन्वायरमेंट ठीक है ना यानी कि बिना केमिकल्स के जब आप प्रोडक्शन करते हो क्लियर तो इसी हिसाब से दो तो क्रूशियल आस्पेक्ट है तीनों ही क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीस क्लियर Okay, next question.

कीजिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम एंड सीईटी एग्जाम दोनों में हेल्प करेंगे चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस एंड वो क्वेश्चन इज डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर तो रूरल सेक्टर में मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है देखिए रूरल सेक्टर की ना डेफिनेशन ही यही है कि वो एरिया वो सेक्टर जहां पे मोस्ट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर क्वेश्चन से इस डेफिनेशन से ही हमें ये है इस क्वेश्चन में कि डैश इज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो वट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दैट इज एग्रीकल्चर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर वीविंग प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन ये राइट right नहीं हो सकते क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है रूरल डेवलपमेंट क्या रेफर करता है पहला प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज रूरल एरियाज की डेवलपमेंट प्रोसेस रूरल एरियाज की ओवरऑल डेवलपमेंट का एक्शन प्लान बोथ एन बी देखने से ही पता चलता है बिल्कुल एक तो रूरल एरियाज की प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सेकंड रूरल एरियाज की ओवरऑल डेवलपमेंट का एक्शन प्लान ये दोनों इसके अंदर कवर होंगे तो द राइट आंसर है क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेट दैट द रियल प्रोसेस ऑफ इंडिया

बल्कि रियल जो डेवलपमेंट है वो बेस्ड है हमारी विलेजेस की डेवलपमेंट के ऊपर तो ये किसका कहना था ये वन एंड ओनली महात्मा गांधी जी का कहना था तो देखें ऑप्शंस जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी तो द राइट आंसर इज महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि रियल प्रोसेस ऑफ इंडिया डिड नॉट सिंपली मीन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ Villages that is the rural areas. Clear? Okay, next question. In rural India, the proportion of people still living in abject poverty is two by third, one third, one second, uh, sorry, half or one fourth. So the right answer is D option, that is one fourth. Next question: rural development implies.

या एग्रीकल्चर की ही डेवलपमेंट को नहीं बल्कि एवरीथिंग वो हर चीज रूरल पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे रेज करे उसे हम रूरल डेवलपमेंट के अंदर कवर करेंगे क्लियर ओके द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टूडे वीडियो इज़ यस रियल प्रोग्रेस करना चाहती है तो इंडिया को अपना रूरल एरिया जो है उसे डेवलप करना होगा तो कौन सा क्यों इसका रीजन हमें कुछ यहाँ पे रीजन गिवन है जिसमें से हमें इन करेक्ट रीजन ढूंढना है कि ऐसा क्यों

ग्रोथ रेट इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैजिन क्वाइट लोअर देन अदर सेक्टर इंडिया के अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर करोगे तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है क्लियर ओके okay. मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो बहुत सारे आज भी रूरल लोग ऐसे हैं जिनका बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे भी कोई एक्सेस नहीं है ये गलत है ठीक है तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन तो हमसे गलत ही पूछा था तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके साथ कंप्लीट होते हैं हमारे आज 350 क्वेश्चंस तो अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस को वॉच नहीं किया है तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चंस को वॉच कीजिए इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए इंपॉर्टेंट की एम सी तो क्यों आपको आपके सीयू टी एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में हेल्प करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू